हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की उपयोगिता क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग निकालने का फार्मूला क्या है, इसका विस्तृत विवरण आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग वो होता है जो एक प्रोडक्ट को, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में जो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी एक अतिरिक्त प्रोडक्ट, एक अतिरिक्त यूनिट के प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन आता है वही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। देखें एग्जांपल, अगर मान के चले 4 यूनिट कोई प्रोडक्ट है, मान के चले पेन, अगर 4 पेन अगर बनाने में हमें मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि 1000 कॉस्ट आता है। अगर 4 कोई प्रोडक्ट है, पेन ही समझ लीजिए, अगर 4 पेन अगर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारा अगर 1000 है। अगर हम 5 पेन बनाते हैं और कॉस्टिंग बढ़कर हो जाती है 1200, डिफरेंस यूनिट का 1 यूनिट और यहां डिफरेंस कॉस्ट का आया 200। यानी हम कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त यूनिट के प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन आता है वो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ है जो अतिरिक्त यूनिट के, एक अतिरिक्त यूनिट के प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आए वो हो जाता है, उसे कहते हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग। अब पढ़ते हैं हम फार्मूला, मार्जिनल कॉस्टिंग निकालने का फार्मूला। मार्जिनल कॉस्टिंग फार्मूला, इस फार्मूले से ही एस माइनस पीवी बीसी फिक्स कॉस्ट प्लस टीटी, ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला। एस माइनस बी सी इक्वल टू एफ सी प्लस पी टी, यहां पर वेयर एस इक्वल टू सेल, बी सी इक्वल टू कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एफ सी फिक्स्ड कॉस्ट, पीटी प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्ट में एक फार्मूला दिया हुआ है, एस माइनस बी सी इक्वल टू एफ सी प्लस पीटी। एस, एस मीन सेल, बी सी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एफ सी मीन्स फिक्स कॉस्ट, पीटी मीन्स प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये 4 एलिमेंट हैं जिन पर डिपेंड करता है टोटल जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। यानी एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते समय जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं इन 4 से रिलेटेड ही होती हैं। अब इससे हम देखते हैं कि इस मार्जिनल कॉस्टिंग के फार्मूले से हम क्या चीज निकाल सकते हैं। सेल, सेल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोस्तों, यहां जानना जरूरी है किसी भी कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
एक प्रोडक्ट को बनाने में दो तरह की कॉस्ट आती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। ये दो कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट होता है, इसके अलावा तीसरा कोई कॉस्ट नहीं होता। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट होता है, वो कुल दो तरह की कॉस्टिंग आती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों को जानना जरूरी है कि फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट हम उसे कहते हैं जो पीरियड पर डिपेंड होता है, पीरियड या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हम अगर फैक्ट्री चला रहे हो या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं या तो वन टाइम किए जाते हैं या पीरियड बेसिस पर किए जाते हैं। वो खर्चे ऐसे होते हैं जो अगर एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद अगर प्रोडक्शन करें तो भी हमें वो कास्ट आनी है, और प्रोडक्शन ना करें तो भी आनी है। जैसे अगर हमने फैक्ट्री कहीं खोला है और वो रेंट पर अगर हमने ले रखा हो, जिस स्थान पर हमने खोला है, तो उसका जो रेंट पेमेंट करेंगे वो आएगा फिक्स कॉस्ट में। इसलिए क्योंकि फैक्ट्री हमारी चले या ना चले, दोनों ही कंडीशन में हमें उसका पेमेंट करना होता है, तो इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। वन टाइम अगर हम कोई प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर खोल रखे हैं, तो उसके लिए हमें मशीनें लगानी पड़ती हैं। मशीनें कॉस्टली होती हैं, वन टाइम की होती हैं, लेकिन वो उनका खर्चा जो होता है, वन टाइम में जो हम मशीन खरीद के लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो आता है फिक्स कॉस्ट में, क्योंकि मशीनें एक बार लगाई जाती हैं और वर्षों तक चलती रहती हैं। तो ऐसे खर्चे जो पीरियड बेसिस पर हो या वन टाइम हो, लाइफ टाइम कहें, वन टाइम क्या, लाइफ टाइम के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है फैक्ट्री में, तो ऐसे खर्चे को हम फिक्स्ड कॉस्ट में लेते हैं। दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, लेबर चार्ज, अदर्स, ओवरहेड, यानी वेरिएबल कॉस्ट में मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, और उससे रिलेटेड अदर खर्चे भी होते हैं, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल हमारा यूज होता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये उसके रेशियो में बढ़ता है, और प्रोडक्शन अगर कम करते हैं तो उसी के रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट घटता है। ठीक, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन के अनुसार बढ़ेगा और प्रोडक्शन के अनुसार ही घटेगा, रेशियो सेम होगी। यानी अगर पर यूनिट वेरिएबल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक यूनिट बनाएं, वन यूनिट अगर हम प्रोडक्शन करते हैं और उसका कॉस्ट अगर 200 रुपीज आता है, तो 10 यूनिट भी अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसका कॉस्ट जो हमें उसी रेशियो में, यानी 2000 होगा। कहने के मतलब कि ये प्रोडक्शन एक यूनिट का हो
या 100 यूनिट का हो या लाखों यूनिट का हो, उसका कॉस्ट उसी रेशियो में बढ़ता है, न कि कम और बेसी में होता है। यानी पर यूनिट कॉस्ट उसकी फिक्स होती है वेरिएबल कॉस्ट की, और जितना ही प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे ये उसी रेशियो में बढ़ेगा। प्रोडक्शन कम करेंगे तो उसी रेशियो में कम होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा नील होगा। यानी फिक्स कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है ये फिक्स रहती है, यही होता है वेरिएबल कॉस्ट। फाइनली मार्जिनल कॉस्ट को ही हम एक तरह से कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज ए वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज ए वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब और अच्छा से समझने के लिए मार्जिनल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए, यानी किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे डिफाइन करें मार्केट में, उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग द्वारा ही समझ सकते हैं। अगर हमने बना लिया है कोई प्रोडक्ट तो उसके कॉस्ट कितना रखें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसका हम कितने कॉस्ट रखें, कितना प्रॉफिट रखें, किस अमाउंट पर हम उसको सेलिंग करें कि हम मार्केट में सर्वाइव भी कर सकें और अधिक से अधिक हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकें, इस चीज को जानने के लिए मार्जिन कॉस्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तरह का मेथड होता है किसी भी कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए। कॉस्टिंग में दो तरह का मेथड है, एक है एब्जॉर्प्शन मेथड, किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन मेथड, दूसरा है मार्जिनल मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन मेथड और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड दो तरह से, दो हमारे कॉस्टिंग में हैं जो फार्मूले बताए गए हैं किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन मेथड में सेल किसी यूनिट का एज्यूम करते हैं कि सेल अगर 100 रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपीज है माइनस करने पर जो आएगा 60 रुपीज, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। इसमें माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज, तो हमें इसे माइनस करने के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करने पर जो आता है वो होता है प्रॉफिट 40 रुपीज। यानी किसी प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन मेथड से अगर हम निकाल रहे हो कि उसकी प्रॉफिट कितनी होगी, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले सेल, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो आता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करते हैं उसे आने के बाद जो आता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आता है। ये जैसे हुआ अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 40 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, तो और फिक्स कॉस्ट अगर 20 रुपीज है तो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज। अब देखते हैं इसी को मार्जिनल कॉस्टिंग के से क्या इफेक्ट आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल अगर उसी प्रोडक्ट का हम 100 रुपीज माने और वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज, कंट्रीब्यूशन डिफरेंस जो आएगा 60 रुपीज, और इसी को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में इसे ही हम कंट्रीब्यूशन को ही प्रॉफिट प्रॉफिट कह सकते हैं। यानी इसमें दो चीज जुड़ी होती है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस ये है।
एब्जॉर्प्शन मेथड में फिक्स कॉस्ट को भी लिया जाता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को अलग से डिफाइन नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉफिट 40 रुपये शो कर रहा है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग से हमारा प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, 60 रुपये कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता, यानी अलग से डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा है जो हम प्रोडक्शन करें या ना करें वो होना ही होना है, उसका प्रोडक्शन पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट खर्चे के लिए खर्चे में। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में ये डिफाइन किया जाता है कि प्रॉफिट जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिलाकर जो आता है कंट्रीब्यूशन, वही मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट माना जाता है प्रोडक्ट का। ये दोस्तों ये है दो फार्मूले, पहले फार्मूले में एब्जॉर्प्शन मेथड है, पहले पुराना मेथड है, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड करेंट मेथड है जिसको आज की मार्केट में प्रेजेंट टाइम में हम यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला दिया हुआ है इसका क्या यूज है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। इसमें अगर कोई भी अगर तीन चीजें दी हुई हो, जैसे सेल 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट 30 रुपीज और प्रॉफिट, अगर फाइन करना हो तो प्रॉफिट क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करके, यानी कोई प्रोडक्ट का अगर सेलिंग दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट दिया हो, फिक्स कॉस्ट दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा। जैसे इस फार्मूले में सेल 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज, फिक्स कॉस्ट 30 रुपीज और प्रॉफिट हमें पता नहीं, और प्रॉफिट होगा इस फार्मूले का यूज करके 60 माइनस 30 यानी 30 रुपीज हमारा जो है प्रॉफिट होगा। इस फार्मूले का यूज करके हम जो है प्रोडक्शन से मार्केट में बेचने से पहले ही हम ये पता कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट हम कितने में बेचें तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, या फिर हमें कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना होगा, इस फार्मूले से ही हमें पता चल जाता है। वाइज द वे अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का दिया हुआ है 1000 है, फिक्स कॉस्ट 500 है, 500 रुपीज है और प्रॉफिट अगर दिया हो 300 रुपीज, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट यानी बनाने में हमें 1000 लगता है, उसमें फिक्स कॉस्ट 500 है और प्रॉफिट 300 रुपीज है, तो बताइए कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये जानने के लिए भी हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसमें एस माइनस बीसी जैसे दिया हुआ है 1000 रुपीज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 500 प्लस प्रॉफिट 300, यानी सेलिंग प्राइस जो आएगी हमारी वो होगी 500 800 प्लस 1000 यानी 1800, यानी वो प्रोडक्ट अगर हम 1800 रुपये में यानी 1800 रुपीज में अगर सेल आउट करते हैं तब हमें जाकर 300 का प्रॉफिट होगा। यानी दोस्तों इस फार्मूलों का यूज करके हम बेचने से पहले यानी प्रोडक्शन करने के बाद उसकी कॉस्टिंग क्या रखें, उसे किस रेट पर बेचें, किस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी बेचनी होगी, ये सारी चीज़ें हम मार्जिनल कॉस्टिंग में
से पता कर सकते हैं। इसमें इस फार्मूले को एस माइनस वी सी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन यानी सेल में से जो वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद बचता है वो क्या बचता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो जो हमने बताया थे मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हमने मेथड बताया था प्रॉफिट निकालने का, उसमें हमने बताया था कि कंट्रीब्यूशन में मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों लेकर चला जाता है, जिसको कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोस्तों एक फार्मूला और है जिसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एस इंटू पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पीवी रेशियो क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमने पढ़ाया कि मार्जिनल कॉस्टिंग का फार्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में जो हम पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।